देखिए बस्तर का सफर। बस्तर की आदिवासी परंपरागत कला कौशल अद्भुत है। बस्तर और यहाँ के कारीगर अपने अद्वितीय कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। बस्तर के आदिवासी अपनी इस नायाब कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते आ रहे हैं। उनकी ये कला बिना किसी मशीनों के उपयोग के रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले उपक्रमों से ही बनाए जाते हैं। बस्तर के कला कौशल को मुख्य रूप से काष्ठ कला, बांस कला, मृदा कला, धातु कला में बांटा जा सकता है। काष्ठ कला में मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचरों में बस्तर की संस्कृति, त्योहारों, जीव जंतुओं, देवी देवताओं की कलाकृति बनाना, देवी देवताओं की मूर्तियां, साज सज्जा की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। बांस कला में बांस के सीखों से कुर्सियां, बैठक, टेबल, टोकरियां, चटाई और घरेलू साज सज्जा की सामग्री बनाई जाती है। मृदा कला में देवी देवताओं की मूर्तियां, सजावटी बर्तन, फूलदान, गमले और घरेलू साज सज्जा की सामग्रियां बनाई जाती हैं। जो बस्तर के परंपरागत शिल्प को अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5 से 6 क्राफ्ट बहुत प्रमुख है। सबसे पहली चीज है मिट्टी का काम, जिसको हम टेराकोटा बोलते हैं, ये बस्तर क्राफ्ट में आता है। ढोकरा का काम, जिसको बैल मेटल बोलते हैं, वो काम बस्तर क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। लोहे का काम, जिसको हम रॉट आयरन बोलते हैं, काला वाला जो आपने देखा होगा, वो जो शिल्प है वो लोहारी शिल्प के रूप में जाना जाता है, रॉट आयरन शिल्प बोलते हैं। फिर वुड कार्विंग का काम है, लकड़ी में अलग अलग तरह की खम्भे बनते हैं, पैनल्स बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, यूटिलिटी भी बनती है, फर्नीचर भी बनता है कार्विंग वाला, वो जो वुड कार्विंग का काम है उसको कास्ट शिल्प बोलते हैं। बैम्बू का भी एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे शिल्पकार हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बांस का काम करते हैं, बांस की चटाइयाँ, टोकनी, फ्लावर पॉट, फर्नीचर, फ्रेम्स, तमाम तरह की चीज़ें बांस में बनाते हैं। फिर एक कौड़ी शिल्प है, जो कुछ जगहों पे कौड़ी शिल्प, कौड़ियों का इस्तेमाल करके कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, टोकनी वगैरह बनाते हैं, देवी देवताओं के लिए ड्रेसेस बनाते हैं, वो एक कौड़ी शिल्प है। और पत्थर का काम, कहीं कहीं कुछ गांव ऐसे हैं जो पत्थरों में मूर्तियां का बनाने का काम करते हैं, जिसको हम स्टोन कार्विंग बोलते हैं। ये 5-6 क्राफ्ट यहाँ की प्रमुख है। और ये हार्ड मटेरियल के अलावा एक और चीज़ है जो बस्तर क्राफ्ट के नाम से जानी जाती है, वो है यहाँ का ट्रेडिशनल नेचुरल डाइड वाला टेक्सटाइल, जिसको भी बस्तर क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो 6 क्राफ्ट प्रमुख रूप से हैं जिनको छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की स्थानीय परंपरागत शिल्प कला के रूप में जाना जाता है। धातु कला में तांबे और टीन मिश्रित धातु के ढलाई किए हुए कलाकृतियां बनाई जाती हैं। जिसमें मुख्य रूप से देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा पात्र, जनजातीय संस्कृति की मूर्तियां,
घरेलू साज सज्जा की सामग्रियां बनाई जाती हैं। आदिवासी निश्चित रूप से भारत के पहले धातु कारीगर थे और वे अभी भी प्राचीन अभ्यास के साथ जारी हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जमाने में तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, लेकिन उससे भी पहले ये काम हुआ करता था। जैसे जो आदि मानव जिस समय से अपना होश संभाला तब से, लेकिन अभी ये बस्तर आर्ट जो है यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ पे कई कहानियाँ हैं, कई रीति रिवाज हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। यहाँ की देवी देवता है, शादी ब्याह है, मतलब जीवन से लेकर मृत्यु तक का जो चीज़ लगते हैं वो चीज़ हम लोग बनाते हैं। तो हमारे साथ साथ मतलब यहाँ पे जो जैसे मेला मंडई है, हर फेस्टिवल में हम लोगों का सामान या उस देवी देवता का चीजें लगते हैं, वो चीज हम बनाते हैं। ये जनजातीय कलाकार धातु की पुरानी प्रक्रियाओं के माध्यम से जीवन, प्रकृति और देवताओं के अनूठे दृश्य को लोहे में उकेरते हैं। उनकी प्रक्रिया सरल है। इसमें मूल रूप से धातु को फोर्जिंग और हथौड़ा द्वारा रूप देना है। बस्तर अंचल के हस्तशिल्प, चाहे वे आदिवासी हस्तशिल्प हो या लोक हस्तशिल्प, दुनिया भर के कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट करने में सक्षम रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि इनमें इस आदिवासी बहुल अंचल की आदिम संस्कृति की सौंधी महक बसी रही है। ये शिल्प परंपरा और उसकी तकनीक बहुत पुरानी है। कल्चर से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों को पसंद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों जो, और अधिकतर जो यहाँ की जो डांस होता है रेला डांस, उस चीज़ को, मांदर और जो गुजरी बड़गी का डांस होता है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित और आकर्षित होते हैं। यहाँ की जो संस्कृति, जैसे यहाँ पे घोटुल प्रचलन है, यहाँ की जो घोटुल में वहाँ पे जो नाच गाना का जो होता है, उसी चीज़ को हम अपनी कलाकृति के माध्यम से दिखाते हैं। तो उसी चीज़ को जब वहाँ से नृत्य करते हुए देखते हैं, तो हमारी कलाकृति के माध्यम से भी हम उस चीज़ को तैयार करते हैं, फिर उस चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बस्तर लौह शिल्प का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल में यहाँ के स्थानीय लोग लोहे की गिट्टी और कोयले को जलाकर उसमें से लोहा बनाया करते थे और इस लोहे से कृषि के उपयोग में आने वाले औजार बनाए और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करते थे। समय के साथ बस्तर की कला को नई पहचान मिली और लोह शिल्पियों की कारीगरी, जिसे बस्तर आर्ट के नाम से जाना जाता है, देश दुनिया में काफी लोकप्रिय हो गया। यहाँ के शिल्पकारों की कारीगरी को देश दुनिया में काफी पसंद किया जाता है। जी, अपना बस्तर आर्ट रॉट आयरन इस नाम से जाना जाता है और हमारे जो सरकार है उसको हमारे लिए कुछ करना चाहिए कि देश विदेश में अभी हमारे जो अपने इंडिया की भी बैठे हैं या विदेश की भी बैठे हैं, उनको आके मतलब यहाँ देखना चाहिए। और हम लोग का कला वेल्डिंग मशीन का काम नहीं है, सारा हाथ का काम है, गर्म कर ठोक ठोक के बनाते हैं। लोह शिल्प, जिसे सिर्फ काले रंगों में बनाया जाता था, उसमें रंगों का संयोजन करके
नए किस्म की कारीगरी करने लगे। जो काफी पसंद किया जा रहा है।